everyone, welcome or welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law and Veins. So we are doing the series of administrative law और उसमें हमने चार videos already cover कर ली हैं कुछ topics पे, ठीक है? तो अब जो next topic है हमारा वो है delegated legislation. तो आज हम बात करेंगे delegated legislation के बारे में. ये क्या होता है, need क्या है delegated legislation की, reasons क्या रहे हैं growth के, और आगे की further videos में हम इसकी constitutionality, types और हम बाकी सारी चीजें भी cover करेंगे, right? Case laws भी हम cover करेंगे, ठीक है? तो आज हम basically अभी बात करते हैं delegated legislation होता क्या है, right? ये शुरू करते हैं video, ठीक है? अब delegated legislation होता क्या है? तो अब delegated legislation को हम क्या-क्या कहते हैं? Delegated legislation is also known as secondary legislation, subordinate legislation and subsidiary legislation. ये तीनों चीज कही जाती है, secondary legislation, subordinate legislation and subsidiary legislation, right? ये क्या है? ये basically it is a process by which a executive authority, ये एक process है जिसके द्वारा जो executive authority होती है, executive authority. हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास तीन body है, right? Legislative body है हमारे पास, दूसरी हमारे पास कौन सी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एंड थर्ड हमारे पास जुडिशियरी बॉडी है. लेजिस्लेटिव क्या बॉडी क्या कर रही है, लॉज बना रही है, एग्जीक्यूटिव बॉडी इसको एग्जीक्यूट कर रही है, और जुडिशियरी बॉडी देख रही है कि वो रूल सेट कर रही है और फाइनली कुछ अगर डिस्प्यूटेड मैटर्स है तो उसको डिसाइड कर रही है. तो ये तीनों अलग अलग है, ठीक है? सेपरेशन ऑफ पावर में भी हमने इस टॉपिक को बहुत ही ब्रॉड तरीके से कवर किया है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, राइट? तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, इज गिवन पावर्स बाय प्राइमरी लेजिस्लेशन. प्राइमरी लेजिस्लेशन के द्वारा उनको पावर्स दिया जाता है कि टू मेक लॉज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एंड एडमिनिस्टर द, कि उनको प्राइमरी लेजिस्लेशन के द्वारा एग्जीक्यूटिव बॉडी को, प्राइमरी लेजिस्लेशन के द्वारा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर्स दिया जाता है कि वो लॉज बनाए इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एंड एडमिनिस्टर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट प्राइमरी लेजिस्लेशन, राइट? हो गया कि ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज गिवन पावर्स बाय प्राइमरी लेजिस्लेशन टू मेक लॉज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एंड एडमिनिस्टर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट प्राइमरी लेजिस्लेशन. सच लॉ इज अ लॉ मेड बाय अ पर्सन और बॉडी अदर देन द लेजिस्लेचर बट विथ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, राइट? अब ये इन चीजों के बाद अब ना हम एक दो एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम कुछ केस लॉज देखेंगे इसके रिगार्डिंग. सबसे पहले एग्जाम्पल, आप लोगों को पता है कि हमारा जो सॉरी आर्टिकल 123 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि ये एक प्रेसिडेंट को पावर देता है, प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हो. अब यहाँ पे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे प्राइमरी लेजिस्लेशन ने मतलब जो लेजिस्लेचर है उसने क्या किया, एग्जीक्यूटिव बॉडी को ये पावर दी. एग्जीक्यूटिव कौन हो गया हमारा, यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गए, इनको पावर क्या मिला है कि ये ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा होगा 1961, राइट? अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है कि वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप सीबीडीटी को पावर दे सके, जिसमें वो एक्ट कर कुछ ने जो चीजें एक्ट करते, जैसे सर्च एंड सीजर का पावर सीबीडीटी को मिला है, फिर वो एसेस कर सकते हैं चीजों को, यू नो पेनाल्टीज पुट कर सकते हैं डिफॉल्टर्स पे, ये सारे पावर सीबीडीटी को मिला. तो इसके ये दो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, आई थिंक आपको इन दोनों एग्जाम्पल से काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब हम कुछ केस लॉज देख, लॉज है इसमें. सबसे पहला है डीएस गेरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दैट इज वो 1959 का केस है. और दूसरा केस है हमारे पास जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007, राइट? अब ये डीएस गेरवाल के केस में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जैसे हमारे पास है आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इसमें कहा गया कि द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पावर्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है? कि जो आर्टिकल 312 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो डील करता है पावर्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से, ठीक है? वो पावर्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से डील करता है. और यहाँ पे जस्टिस ने, ठीक है, जस्टिस के एन वांचो ने ये क्या कहा, जस्टिस के एन वांचो ने ये ऑब्जर्व दैट देयर इज नथिंग इन द वर्ड्स ऑफ आर्टिकल 312 व्हिच टेक्स अवे द यूजुअल पावर्स ऑफ डेलीगेशन व्हिच ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द लेजिस्लेचर, कि
ऐसा कुछ भी वर्ड मेंशन नहीं है या फिर कुछ भी उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से ऐसा कुछ भी नहीं प्रूव होता है कि वहां से उसके पास ले लिए जाए ऑफ डेलीगेशन विच ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द लेजिस्लेचर. तो ये कहा गया था डीएस गरेवाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में 1959 का केस है. दूसरा केस है हमारा जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया लिमिट्स ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उन्होंने लिमिट्स पुट किया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर और कहा कि दो द लेजिस्लेचर हैज वाइड पावर्स ऑफ डेलीगेशन इट कैन नॉट डेलीगेट अनकंट्रोलेबल पावर एंड द सेम इज कन्फाइंड बाय लेजिस्लेटिव पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस. कि दो यहाँ पे लेजिस्लेचर जो है हमारा जो हमारा लेजिस्लेचर है उसके पास पावर्स वाइड पावर्स है. हमारा लेजिस्लेचर के पास वाइड पावर्स है इन चीजों को लेकर बट वो अनकंट्रोलेबल पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती है. अनकंट्रोलेबल पावर को एक्सरसाइज नहीं इसलिए उसको कन्फाइन कर दिया गया विद इन लेजिस्लेटिव पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस. राइट, तो ये दो इम्पोर्टेंट. Okay, so talking about the needs of delegated legislation, number one, it enables the government to make a law without having to wait for a new act of parliament to be passed. ये क्या करता है, ये government को help करता है कि आप law बनाओ बिना wait किए कि आपको parliament में act pass होने के लिए wait करना है. ठीक है, ये time को save करता है और फालतू में जो overburden हो रहा है parliament के ऊपर या overloading of work हो रहा है उस चीज को avoid करता है. ठीक है, तो parliament क्या करती है, parliament delegate करती है power को जिसके द्वारा जो delegated legislation है वो amend कर सकते हैं, rule बना सकते हैं without having to pass an act through parliament. Right, number three है, many times the local authority knows the ground situation correctly and objectively. Usually क्या होता है कि जब आप powers को delegate करते हो तो you don't know the ground situation क्या है, you know कि lower level पे क्या problems arise हो रही है. तो जो local authority है उनको ground situation के बारे में पता होता है और वो better तरीके से उस according you know laws बना सकती हैं local needs को देखते हुए. Okay, so fourth point is delegated legislation is very important in dealing with an emergency situation as it arises without having to wait for an act to be passed through parliament to resolve the particular situation. Delegated legislation जो है वो बहुत ज़्यादा ही important है जब आप emergency situation से deal कर रहे हो. ठीक है, आपको उसके लिए basically wait नहीं करना है कि parliament कोई act particular pass करेगी and then you will have to act accordingly, right? Fifth point is many times a situation arises that parliament had not anticipated at the time it enacted the piece of legislation. In such situation delegated legislation can be used to cover the loopholes of the act. Usually kya hota hai ki jab parliament koi bhi act banati hai to uske usme kuch loopholes reh jate hain. Humne bahut sare aise acts padhe hain jis pe hame direct loopholes pata chalte hain chahe wo koi bhi act kyun na ho jaye. To usme to us situation mein kafi helpful hota hai delegated legislation. Sixth point is it empowers the authority to modify or alter sanctions under a given statute और मेक टेक्निकल चेंजेस रिलेटिंग टू लॉ. कि ये एम्पावर करता है अथॉरिटी को कि आप मॉडिफाई कर सकते हो, एल्टर कर सकते हो सारे स्टैट्यूट्स को. जो और कोई भी अगर टेक्निकल चेंजेस है, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें आती है जो कि अवेयर नहीं होते हैं जो आपकी प्राइमरी लेजिस्लेशन में जो वो लोग बैठे हुए हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी बैठी है वो लोगों को, तो उस सिचुएशन में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है. लोकल अथॉरिटी इस चीज़ को चेंजेस कर सकती है. राइट, सेवन पॉइंट इज इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी एट द अर्लिएस्ट. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. अब यूजुअली क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द बहुत ज्यादा रेडिकल चेंजेस हो रहा था गवर्नेंस में. ठीक है, तो कंट्री क्या हुई, हमारे पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट होने लगी जिसकी वजह से काफी ज्यादा नेसेसरी अराइज हो गया कि आपको जिसकी वजह से ग्रोथ होने लगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का. ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें हमारा प्रेशर ऑफ वर्क. अब पार्लियामेंट क्या थी, जो पार्लियामेंट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा ओवरबर्डन थी लेजिस्लेटिव वर्क से. उनको बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन पास करना होता था और बहुत ज्यादा इंटेंसिव वर्क करना पड़ता था जिसकी वजह से ये जो प्रेशर ऑफ वर्क को प्रिवेंट करने के लिए जो लेजिस्लेचर है इसने क्या किया कि सोचा कि इट इज बेटर कि हम एक डेलीगेटेड बॉडी लेकर आए जो कि इन चीजों में हेल्प करे. ठीक है, सो ये एक पहला रीजन हो गया. दूसरा, टेक्निकलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर. अब जितने भी जो लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट में जो भी लोग रहते
है, वो एक्सपर्ट्स नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है, दे के नॉट वर्क आउट यू नो द डिटेल्स ऑफ द लॉ. तो उस सिचुएशन में जो लेजिस्लेटर्स है उन्होंने ये सोचा कि बेस्ट हुआ कि जो पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स है वो डिटेल्स जो है वो उन लोगों को दे दिया जाए, दोज हु आर यू नो बेटर एट इट. थर्ड इज टू मीट अनफॉरसीन कंटिजेंसीज. जो प्रैक्टिस हो रहा था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, बिकॉज इट यू नो प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ कॉन्स्टेंट एडेप्टेशन टू अननोन फ्यूचर कंडीशंस, तो इसकी वजह से यू नो नेसेसिटी बढ़ गई अमेंडिंग लेजिस्लेशन को अमेंड करने का. और जो मेथड था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, ये परमिट करता था रैपिड यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड और ये इनेबल करता है रूल ऑफ कंसल्टेशन. तो इस वजह से ये एक थर्ड नीड हो गया. फोर्थ इज एक्सपीडियंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. इसमें क्या था कि बहुत सारे केसेस में राशनिंग स्कीम करने की जरूरत होती थी, जिसमें आप इम्पोज कर रहे हो प्रॉपर टैक्स एक्सेट्रा चीजों को, आप जब इम्पोज कर रहे हो तो उस सिचुएशन में. तो ये भी एक यू नो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ये एक ओनली मींस था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का. लास्ट इज टू मीट इमरजेंसी. जो भी इमरजेंसी के केसेस होते थे यू नो विच मे ऑफ्टन अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लाइक वॉर के बेसिस पे, या फिर फ्लड्स हो गया, एपिडेमिक्स हो गए, इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, इस सारी सिचुएशन में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी मस्ट बी आर्म्ड विद द रूल मेकिंग पावर्स एंड दैट द रेमेडियल एक्शन मे बी टेकन इमीडिएटली. जैसे अभी जो सिचुएशन पैंडमिक चल रहा है, ये सारी टाइप की सिचुएशन वगैरह में आप जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब इस केस में जॉन्स टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर्सेस रीजनल डायरेक्टर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, इस केस में क्या कहा गया कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो नीड है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का इज दैट दे आर फ्रेम्ड विद अ केयर एंड मिनिमम. इसको आपको इस तरीके से फ्रेम करना है कि प्रॉपर केयर के साथ और माइन्यूटनेस को देखते हुए, जहां पे जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो रूल्स बना रही है वो इन चीजों को ध्यान में रखेगी, बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से रूल्स बनाएगी एंड आफ्टर कमिंग इन टू फोर्स ऑफ द एक्ट इज इन अ बेटर पोजिशन to adopt the act. ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आ गई होगी, ये पर्टिकुलर टॉपिक काफी अच्छे से समझ आ गया होगा जिसमें हमने कवर किया ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स देखे हमने, केस लॉज देखा हमने, नीड क्या होता है, क्या है बेसिकली, रीजंस क्या रहे हैं उस पर भी हमने केस लॉज देखा. तो आई थिंक ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जो टॉपिक था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का वो समझ आ गया होगा. आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. थैंक यू.